हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, गाइस कैसे आप सब लोग। तो आप देख रहे हो हमारी लोकेशन। आज मैं डायरेक्टर हूँ और जब मेरे पीछे इस टाइम कैमरामैन है, फिर वो एक्टर बन जाएंगे और मैं फिर कैमरामैन बन जाऊँगा, फिर मैं ही डायरेक्टर रहूँगा। मैं तो डायरेक्टर रहूँगा ही। तो आज मैं तुम्हें मिलवाने वाला हूँ बढ़िया वाले एकदम सूर्य भाई से। सूर्यकांत त्रिपाठी इनका नाम है। आपको इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। पहले तो 2 मिनट आपसे थोड़ा माफ़ी लेना चाहता हूँ। 1 सेकंड हो जाओ बस। हाँ, तो वो जो च्युइंगम थी उसको मैं थूकने गया था कि अच्छा नहीं लगेगा। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं, आप लोग शायद टाइटल से समझ गए, ये स्पेशली हम लोगों ने चाहा कि आपको इस जो परिस्थिति चल रही है, ये जो इस टाइम पूरी दुनिया में चल रहा है ना प्रकोप महामारी, इससे बचाने के लिए कि आपके अंदर जो इस टाइम कुछ गुण छुपा हो उसको निकालो। इस टाइम आपके पास टाइम है, इतने महीनों या दिनों का जो वो चल रहा है कि आपको घर में रहना है ना, तो आपके अंदर कोई कला हो ना उसको उभारो। आप ड्राइंग करते हो, आप कुकिंग करते हो, तो इन सब चीज़ों को निकालो। तो अपने जो सूर्यकांत त्रिपाठी भाई हैं, ये करते हैं शायरी, और इन्होंने शायरी कैसे करी, ये सब चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। वो करेंगे हम एंड में, हम पहले एंड में बताएंगे इनका, मतलब कि इन्होंने कैसे शुरुआत करी। इनका ये काम नहीं है शायरी करना है सब करके, लेकिन फिर हमने सोचा कि आज जो है शेर व शायरी के लिए ना एक लोकेशन भी अच्छी होनी चाहिए, शांत सा माहौल, एकदम नेचर में होना चाहिए, क्योंकि ये ना एक नेचुरल चीज़ है जो कविता है या फिर शायरी है, है ना, कुछ भी कह सकते हैं। तो हमने सोचा कि लोकेशन अच्छी है, मेरे घर के पास है। बेशक आज सर्दी बहुत ज़्यादा है, जैकेट वगैरह हमने पहनी है, टोपा वगैरह लगा तो सब उतार दिया हमने कि भाई थोड़ा अच्छे दिखने चाहिए। बाकी आप लोग मुझे जानते हैं, मैं तो ऐसे ही दिखता हूँ, लेकिन अभी मेन है शायरी का। मुझे शायरी का एक शय भी नहीं आता है, तो सिर्फ और सिर्फ आज सूर्य भाई ये शायरी करेंगे। थोड़ी बहुत अगर वॉइस आपको इधर उधर होती है, हमने नेचुरल ही रिकॉर्ड किया है, अगर आपको थोड़ा सा इधर उधर आवाज़ आती है अत्तों की पत्तों की, तो वो सॉरी, क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं, क्योंकि इस जगह पत्ते बहुत सूख चुके हैं, मौसम अब चेंज हो रहा है क्योंकि अब गर्मी आ रही है, तो इसलिए तो ज़्यादा मैं ज़्यादा आपका टाइम ही खाऊंगा। प्लस अगर आपको प्लीज़ वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक ज़रूर करना और सूर्य भाई को फॉलो जरूर करना इंस्टाग्राम पे, क्योंकि उनकी जो शायरी है, यहाँ एक थोड़ा सा आपको ट्रेलर है, वहाँ पर उनके नए नए वो हैं, प्लस वो भी आपको फॉलो बैक करेंगे। अगर आप लोग भी शायरी या फिर आप किसी कला को प्रमोट करते हैं, मतलब कि आप कुछ चीज़ करते हैं ऐसा, तो हम भी आपको फॉलो करेंगे, ठीक है। और आने वाली वीडियो में हम आपको प्रमोट करेंगे अपने वीडियो पे। अगर आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ है, आप कुक करते हो कुछ, है ना, ये भी आपकी एक कला है, आप शेर व शायरी करते हो या फिर आप क्या कहते हैं ड्राइंग करते हो, तो ये चीज़ हमें चाहिए, ठीक है। सो ये हमारी एक नई शुरुआत है कि अब कुछ करेंगे इस चीज़ के लिए। जल्दी आपको दाचे पे लेके जाएंगे, मेरे को दाचे का एक चक्कर लगाना है, कुछ काम है इसलिए जाएंगे। तो अभी ज़्यादा देर नहीं करते, सूर्य भाई के साथ मिलते हैं, चलो फिर। मैं आदमी ही ऐसा हूँ, आपका हो जाऊँगा मुस्कुरा के तो देखिए। मैं आदमी ही ऐसा हूँ, आपका हो जाऊँगा मुस्कुरा के तो देखिए। पैमाना हूँ, छलक जाऊँगा होठों से लगा के तो देखिए। कभी आंसुओं से तकिया भीग जाता है, तो कभी आंसू गालों पर ही सूख जाता है। कभी हार हार कर टूट जाता हूँ, तो कभी टूट टूट कर हार जाता हूँ। पल पल अपनों की याद सताती है, और फिर उन्हीं ख्यालों में डूबा फूट जाता हूँ। कभी जेब खाली रहती है, तो कभी पेट खाली रहता है। रोजी के लिए ज़िंदगी भगाती है, और फिर जीने के लिए रोज भागता हूँ। और ये दुनिया कहती है कि मौत तो बस एक ही बार आती है। कभी शब्द होते हैं तो बातें नहीं, कभी बातें होती हैं तो सब नहीं। आंखें सोने को होती हैं, मगर कल कैसे बीतेगा ये ख्याल सोने नहीं देगा। सपने भी अब दरवाज़ा खटखटाकर चले गए, अब आवाज़ लगाने पर भी नहीं आते हैं। चलते चलते इतना दूर आ गया कि पैरों के छाले आकर फूट भी गए। पीछे मुड़कर देखा तो कितने अपने पीछे छूट गए। अब उनकी याद उलाती है, और दुनिया कहती है कि मौत तो बस एक ही बार आती है। कभी चोट लगने पर मुझे ही मारती है, तो कभी गाल पकड़कर बाल संवारती है। कभी चोट लगने पर मुझे ही मारती है, तो कभी गाल पकड़कर बाल संवारती है। खाने का डब्बा खोलते ही रसोई में खड़ी मुस्कुराती नजर आती है। चलना सिखाती है तो गिर कर संभलना भी सिखाती है। लड़खड़ाने पर अब वो सीख लाती है,
और दुनिया कहती है कि मौत तो बस एक ही बार आती है, मगर ये दुनिया ही कहती है कि माँ के कदमों में जन्नत है, और ये दुनिया ही कहती है कि माँ के कदमों में जन्नत है, तो कह दो इस दुनिया से कि ये आँखें अब मौत में सोना चाहती हैं और जन्नत में उठना चाहती हैं, क्योंकि दुनिया कहती है कि मौत तो बस एक ही बार आती है। मैं माघ के दूसरे पहर की लू हूँ, तू कहे तो सीत बन जाऊँ तेरी सांसों के लिए। मैं माघ के दूसरे पहर की लू हूँ, तू कहे तो सीत बन जाऊँ तेरी सांसों के लिए, तू कहकर तो देख जल के राख हो जाऊँ तेरी नई तकदीर की स्याही के लिए। वो कहती है कि लोग कहते हैं कि वो हंसते हुए खूबसूरत लगती है, वो कहती है कि लोग कहते हैं कि वो हंसते हुए खूबसूरत लगती है, मगर उस पगली को ये कौन समझाए कि उसी हंसी को ना हंसने की कोशिश करते हुए वो कितनी हंसी लगती है। कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ खास होते हैं, और जब वो साथ होते हैं तो कुछ खास होता है, और ये एहसास होता है कि अब कुछ और हो ना हो सब कुछ साथ होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ खास होते हैं, और जब वो साथ होते हैं तो कुछ खास होता है, और ये एहसास होता है कि अब कुछ और हो ना हो सब कुछ साथ होता है। और एक ऐसे ही वो थे जो जान थे हमारी, जान थे वो हमारी, जो ये जान लेते वो तो फिर ना जाने देते उन्हें, फिर चाहे जान लेते वो। जान थे वो हमारी, जो ये जान लेते वो तो फिर ना जाने देते उन्हें, फिर चाहे जान लेते वो। और जाने अनजाने कहीं ना कहीं अंदाज़ा हमें भी था कि जाना तो है उन्हें एक रोज़, लेकिन जान बूझ कर अनजान बन जाना और ये जताना कि जैसे हम कुछ जानते ही नहीं, ये हमारी पुरानी आदतों में से एक है जिसका हमें आज भी अफसोस है। हाँ जी, कैसे लगी फिर है? मज़ा आया नहीं आया? अब एक्चुअली आज मेरा हो गया है ख़राब कैमरा, और ये मोबाइल से बना रहा हूँ। जो लास्ट ब्लॉग बनाया था तो मैंने बोला था कि मेरा मोबाइल कैमरा ख़राब होने वाला है, वो हो ही गया, उसका ना ओपनर नहीं हो रहा। मेरे हाथ कांप रहे हैं इस टाइम, इसलिए शायद शेक हो रहा हो, आई डोंट नो। लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ कि हाथ जम गए, मैं उनको भैया को दे रहा हूँ हाथ जम गए। सुनो भाई, ले लो जरा। हाँ माई गॉड, तो बोलना ये था, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हम दोनों का ये काम, ये एक नया हमारा वो था कि हम लोग नया कुछ करेंगे और आप लोगों के लिए सर्दी में ही वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, टोपा ओपा उतार के वो कहते हैं सर्दी से बचने के लिए। अगर आपको हमारा ये चीज़ अच्छी लगी तो आप हमें सपोर्ट करो, लाइक करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। जो मैंने आपको बोला शुरुआत में, बस ये अपने सूर्यकांत त्रिपाठी गोरखपुर वाले, ठीक है। सो यही प्यार ही चाहिए बस आपका। हमें मालूम है कि आप लोग हमें शुरुआत से ही प्यार करते हो और आगे भी करते रहोगे। घर में बैठे हो तो अपनी कला को निकालो, वीडियो एडिटिंग करना सीखो, कैमरा उठाओ, यूट्यूब बनाओ, टिकटॉक बनाओ, जो आपको पसंद है वो बनाओ, लेकिन करो सिर्फ दिल से, ठीक है। सूर्य भाई ने भी दिल से किया था। शुरुआत कहाँ से करी थी सूर्य भाई, ये पूछना चाहता हूँ। ये शुरुआत जो है ये ऐसे हुई थी कि लिखने का जो शौक है वो स्टार्ट में था तो बचपन से, लेकिन कभी ऐसा लिखने की कोशिश नहीं की। बचपन में छोटी मोटी पोयम देखना है, आपको नहीं पता कि कैमरा यहाँ, छोटी मोटी जो पोयम है वो लिखना स्टार्ट किया था, बट वो कभी ऐसा हुआ नहीं। मेन जो लिखना शुरू किया वो 2015 के स्टार्टिंग में जो है वो हमने स्टार्ट किया, 2015 में मैंने स्टार्ट किया। उस पर लिखता गया, कभी ऐसा हुआ नहीं कि आज बैठ के लिखूंगा। जब कोई दिमाग में थॉट आया, पेन उठाया, पेपर उठाया और उसको लिख दिया। फिर ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, आप कुछ तो छुपा रहे हो। नहीं, नहीं। कभी भी शेर व शायरी ऐसे नहीं होती है, कुछ तो दर्द हुआ होगा दिल में। इसके लिए भी एक शायरी है। क्या बात है? इसके लिए भी एक शायरी है कि मुझे हमेशा से कवि बनने का शौक था और मैं कई हद तक बन भी गया था। मुझे हमेशा से कवि बनने का शौक था और मैं कई हद तक बन भी गया था, क्योंकि मैं प्यार में था और प्यार में आदमी हमेशा कवि ही बनता है। कमबख्त ये बेवफाई शायर बना। क्या बात है, ये बात थी, ये आपको बनाया हुआ है। सच में ये रियलिटी है, शायर ऐसा बनता ही नहीं कोई। जब तक दिल से वो दर्द ना निकले ना, तब तक शायर ही नहीं बनता। मैं इनको अभी बता रहे थे हम ये बोलेंगे, लेकिन दिल में दर्द नहीं है ना मेरे, कुछ मेरे वो जैसे रॉकस्टार मूवी है, मैं ना मेरा कोई वो हुआ है, ना मेरा कहीं ब्रेकअप हुआ है मेरे साथ, तो मेरे माँ बाप ने कुछ वो भी नहीं करी है, तो कहाँ बनेंगे शायर। भाई का तो दिल टूटा है, लेकिन दिल टूटना से मतलब दिल टूटने से स्टार्टिंग होती है, मगर उसके बाद बहुत सी चीजें लाइफ को समझते हो जब आप बड़े होते हो। फेलियर जरूरी है जिंदगी में, आप टक्करे खाते हो, धोखा खाते हो, लोग कुछ ऐसे लोगों से मिलते हो जिनके साथ अच्छे एक्सपीरियंसेस नहीं हुए, राइट, प्यार के अलावा, तो उसके वो सब चीजें भी हैं। जब आपके अंदर एक चीज आती है तो वहां से लिखना शुरू होता है,
तो ये लिखने को लेके, लेकिन जो जो भी टैलेंट होता है उसमें होता क्या है कि शुरुआत के तौर पे, शुरुआती तौर पे एक धक्का, ऊपर करो थोड़ा। एक धक्का चाहिए होता है। हाँ। जब वो मिल जाता है तो आपको जब पता लगता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो आप फिर उस चीज को इंक्रीज करते रहते हो, बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है। तो ऐसे थोड़ा ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ। एंगल रखने का, थोड़ा सर्दी हो रही है इसलिए, लेकिन थोड़ा समझा रहा हूँ कि एंगल भी चाहिए। एक काम करते, ज्यादा आपका टाइम मिलेंगे, वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना आपको कौन सा शेयर अच्छा लगा, और उसको आप अपने साथ कहीं भी अपने इंस्टाग्राम पे वो कर सकते हो, और हमें टैग कर सकते हो, इंडियन लाइफ इंडस्ट्री स्टाइल या सूर्य त्रिपाठी, दोनों का मैं इंस्टाग्राम दूंगा डिस्क्रिप्शन में या सामने स्क्रीन पे। और भाई को फॉलो करना, और अपना मैंने आपको बताया था शुरुआत में, मैं आपको दूंगा अपना इंस्टाग्राम, या तो आप उस पर मेरे को भेज सकते हो अपने थॉट्स, जो भी चीज़ आप करते हो, मैं वो वीडियोज़ को अपने आने वाली वीडियो में यूज़ करूँगा, ठीक है? वो पक्का डन है, साथ में मिलकर बनाएंगे एक अलग। कुछ भी चीज़ हो चाहे आपकी कुकिंग की हो, वो मैं आपको प्रमोट करूंगा, लेकिन लिमिटेड 3 लोगों को चूज करूंगा सबसे पहले मैं। अगर ये चीज़ मुझे अपनी शुरुआत अच्छी लगती है तो बहुत अच्छा होगा। फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, अपना प्यार देते रहो, तब तक के लिए दस्तदान यार। पक्का पक्का।